नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महीने के चौथे शुक्रवार को आंतरी नगर की जन सुनवाई में जनता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बंद होने और डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए अस्पताल को बंद रखने की शिकायतें भाजपा विधायक एवं जनसेवक मोहन सिंह राठौर को मिली। तथ्यों का सत्यापन करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। मौके पर हॉस्पिटल में एक ANM उपस्थित मिली। 14 डॉक्टर और अन्य संबंधित स्टाफ गैर हाजिर मिला। अस्पताल की सारी सेवाएं बंद थी, कमरों में ताले लगे थे, कार्यालय बंद था। उपस्थिति रजिस्ट्रार कार्यालय में बंद बताया गया। जनता की समस्याओं को सत्य पाते हुए CMHO से भाजपा विधायक एवं जनसेवक मोहन सिंह राठौर ने बात की। CMHO द्वारा अनुपस्थित डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और शीघ्र ही अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले इसका आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला की मीटिंग में भी राठौर जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के मोहना आंतरी बरई भीतरवास स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को अच्छी व्यवस्था के लिए सुझाव दिए थे। स्वास्थ्य सेवाओं के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ग्वालियर अस्पताल में बढ़ते हुए लोच पर चिंता व्यक्त की थी। तब निश्चित हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा ताकि ग्वालियर में गंभीर बीमारियों के ही मरीज पहुंचे। इन सब व्यवस्थाओं को हमें ठीक करना होगा और ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लापरवाही करने वाले कर्मचारी डॉक्टर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी होगी, तभी संभव होगा। अगले विधानसभा सत्र में ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने के लिए आवश्यकता होगी तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। भीतरवार को उसका हक मिलने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष जारी रहेगा। सेवक मोहन सिंह राठौर भीतरवार विधानसभा क्षेत्र और सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा। डबरा से न्यूज 69 के लिए संवाददाता अभिषेक राणा की खास रिपोर्ट। आयात्री अस्पताल का निरीक्षण के इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी आत्री में मेरी जनसुनवाई थी, मैं जनसुनवाई में था और वहाँ सब लोगों का ये कहना था कि आत्री हॉस्पिटल में बिल्डिंग है, सारी व्यवस्थाएं हैं, 15 लोगों का स्टाफ है, लेकिन इसमें न तो कोई रात्रि में यहाँ रहता है और ना ही किसी प्रकार की हमें कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं या इलाज की व्यवस्था है। तो मैंने स्वयं ने आके यहाँ निरीक्षण किया कि जो लोग कहते हैं उसकी सत्यता क्या है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक ANM मिली है यहाँ और एक कोई आयुष्मय भदौरिया है, वो दो लोग मिले हैं, बाकी पूरा हॉस्पिटल खाली है। एक भी डॉक्टर्स में से कोई डॉक्टर नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है, सब लोग ग्वालियर रहते हैं और वहीं से रजिस्टर और इनकी खानापूर्ति चलती रहती है। तो अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी और फिर जब हमारा ग्वालियर में जब भी वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग होती है, माननीय अभी हमारे उप मुख्यमंत्री और इसके मंत्री स्वास्थ्य मंत्री आए थे, उनके सामने सबका कहना था कि पूरा लोड ग्वालियर हॉस्पिटल के ऊपर आता है, हम कैसे संभालेंगे। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप सुविधाएं नहीं दोगे, सारे लोग यहाँ से गायब रहेंगे, तो निश्चित ही ग्वालियर हॉस्पिटल पर लोड आएगा। हमारा ये कहना है अब सारे वरिष्ठ अधिकारियों से और मैं मंत्री जी से भी बात करूँगा कि यहाँ सारे स्टाफ को रहना चाहिए और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।